हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, कई बार आपने बेसन की पकौड़ी खाई होगी जो हम कढ़ी में डालने के लिए बनाते हैं, पर क्या आपने बेसन की पकौड़ी की सब्ज़ी खाई है? अगर नहीं खाई है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की पकौड़ी की सब्ज़ी। ज़्यादातर ये सब्ज़ी राजस्थान में बनाई जाती है, तो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसन की पकौड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए एक बाउल में 3 चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप पानी लिया है। जितना पानी यूज़ होगा मैं आपको बता दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ऐड करेंगे, और इस बैटर को ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो पहले हम इस बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बारी आती है इस बैटर को फेंटने की, तभी हमारी जो पकौड़ी बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इसको 5 मिनट तक फेंटना है। 5 मिनट के बाद में आप देखिए बेसन का कलर कितना चेंज हो गया है, बेसन बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया है। अब हमारी पकौड़ी का जो बैटर है वो रेडी है, और इसमें जो पानी का यूज़ हुआ है वो 1/3 कप से थोड़ा सा कम यूज़ हुआ है। चलिए तो अब पकौड़ी को बना लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। अब स्पून से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ तेल के अंदर ऐड करेंगे। अब हम इन पकौड़ी को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए या फिर बीच बीच में चलाते हुए हल्की सी ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेसन की पकौड़ी बिल्कुल तैयार है। इन पकौड़ियों को हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। अब जो हमारा कढ़ाई में तेल बचा हुआ है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लगभग हमें 3 टेबलस्पून के करीब कढ़ाई में ऑयल रखना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ पर मैंने एक पेस्ट तैयार किया है जिसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मसाले भी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले भी टमाटर और प्याज के साथ भुन जाएंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले कि जो किनारे हैं वे ऑयल ना छोड़ दे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। इस मसाले को मैंने मीडियम फ्लेम पर भूना है। अब हम इसमें पकौड़ी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में पकौड़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। आप चाहे तो 1.5 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस सब्ज़ी को हम ढककर बनाएंगे और मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, और इस सब्ज़ी को हमें कुक करना है 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद में हम अपनी सब्ज़ी को चेक करेंगे, तो पैन का कवर हटाएंगे, और ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी हमारी तैयार हुई है। सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पकौड़ी भी ग्रेवी के अंदर काफ़ी फूल गई है। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसे गार्निश कर सकते हैं बारीक कटे हुए हरे धनिया से, या ऊपर से गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो गैस ऑफ कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।